एवरीवन, दिस इज़ रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज अमेजिंग वर्ल्ड। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं बैग में क्या क्या लेकर जाती हूँ और अपने बैग में मैं क्या रखती हूँ वो शेयर करूँ, तो आज मैं वही वीडियो लेकर आई हूँ कि व्हाट्स इन माई बैग। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये है मेरा बैग जिसको हम बैग की तरह तो यूज़ कर ही सकते हैं लेकिन स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है उसका बेल्ट। ये सबसे पहले यहाँ पर बॉटल रखने के लिए है, एक इस साइड भी है और एक इस साइड भी है। तो सबसे पहले इस वाली चेन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखा है किचन, और क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है तो इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले ये मिलता है टिश्यू पेपर जो हर वक्त हमें यूज़ आता है। तो फिर ये है मेरा जिप लॉक। तो इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं वो तो आप सब लोगों को पता है, ओपन किए हुए पैकेट को क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, तो बस इसमें इतना ही है। देन तो यहाँ पर ये है मेरी डायरी, मतलब ये है मेरी लिस्ट की डायरी कि हम बाहर जाते हैं तो क्या क्या लेना है, और उसके साथ एक पेन है। तो इसमें ये दोनों ही है मैंने रखा है। अरे हाँ, कभी कभी ना बाहर जाके मुझे ये भी याद आता है कि घर पर जाके मुझे कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ तो वो करनी है, तो मैं ये भी इसमें लिख कर रखती हूँ, है ना। अच्छा आइडिया। तो तो सबसे पहले ये है एक बॉल। तो कभी गार्डन में गए तो ऐसे पहले से प्रिपरेशन नहीं की होती है, कभी कभी ऐसा होता है तो बॉल में अपने बैग में रखती हूँ। और ऐसे ही आप लोगों को तो पता है कि आई एम अ बॉल लवर, तो मैं बॉल अपने साथ ही रखती हूँ। और ये है मेरा पाउच जिसमें मैं रखती हूँ पाइनएप्पल के पीसेस। बाहर जाकर अगर भूख लगी तो इसमें से मैं खा लेती हूँ। नहीं नहीं, इसमें मैं क्या रखती हूँ चलो दिखाती हूँ और देखते हैं कि क्या क्या इसमें से मिलता है। ओके, इसमें एक हेयर बैंड है जो अगर बाल आगे आ जाए तो उसको पीछे करने के लिए ये मैं हेयर बैंड रखती हूँ। ये है रबर बैंड। ओके, ये दूसरा भी रबर बैंड है। उसके बाद ये क्लिप है। ओके, यहाँ पर एक दूसरी भी क्लिप है, ये है बटरफ्लाई शेप की और इसके ऊपर एक टेडी बेयर है। देन ये है कॉम्ब। बाहर गए और हेयर स्टाइल थोड़ी सी इधर उधर हो गई तो कॉम्ब उसके लिए। एंड दो तीन पिंस है। तो बस मैं इतना ही रखती हूँ अपने इस वाले पाउच में। तो चलो अभी मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ कि इस पाउच में क्या क्या मैं रखती हूँ। तो चलो अब देखते हैं कि इस पाइनएप्पल पाउच के अलावा और क्या क्या है। तो ये है मेरा वॉलेट, और उसके बाद बैग के अंदर एक छोटी सी बैग। आपको पता है इसमें क्या रखती हूँ? नहीं पता, तो चलो दिखाती हूँ। वैसे तो ये है किचन, तो इसके अंदर ये है मेरा लिप बाम। ओके, यहाँ पर है मेरी वॉच, ब्रेसलेट, दो रिंग्स है। एक्चुअली आपको पता है कि मैं जब रिंग पहन के जाती हूँ ना घर से, फिर रिंग निकाल के इसमें रख देती हूँ। तो ऐसे ही इसमें रिंग रखती हूँ, फिर से पहनती हूँ, रखती हूँ, पहनती हूँ। तो इसमें दो रिंग्स है। ये है मेरी इयर रिंग्स यानी कि टॉप्स। तो ये एक पैर है स्टार वाली ब्लैक इयर रिंग्स की, क्योंकि ब्लैक कलर किसी भी टॉप के साथ, मतलब किसी भी ड्रेस के साथ मैच हो जाता है। तो इसमें मैंने रखा है इतना ही। तो चलो अभी इसका दे देती हूँ जूम व्यू। टेनिस में मैं रखती हूँ अपने सनग्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि समर में बहुत धूप निकलती है, तो उस धूप से हमारी आइस को प्रोटेक्ट करने के लिए सनग्लासेस रखती हूँ। तो ये है मेरे सनग्लासेस। ओके, उसके बाद है दूसरा वॉलेट। नहीं नहीं, ये है, आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरी मेकअप किट। तो ये मैंने रखी है काफ़ी टाइम से, लेकिन अभी पैक की पैक ही है, एक बार भी यूज़ नहीं हुई है। लेकिन ये मैं सोच रही हूँ कि कभी काम आ जाएगी इमरजेंसी में, तो मैं इसमें रखती हूँ। इसमें है इसके साथ ब्रश भी, ये मिरर भी है इसके साथ। यहाँ पर मैंने रखा हुआ है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। हाँ, इस वाली चेन में इतना ही है। अभी मैं दिखाती हूँ पीछे वाली चेन में क्या है। तो वो है मास्क।
तो मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैंने एक क्लोथ वाला मास्क भी रखा है और एक ये वाला मास्क भी रखा है। देन एक है नैपकिन, तो उसके बाद है एक बहुत कंफर्टेबल चीज़, तो वो है ये, इसमें मैं रखती हूँ स्पून्स। और यहाँ पर है एक चेन, छोटी सी चेन, उसमें मैंने क्या रखा है, उसमें मैंने रखा है एक चॉकलेट। और ये है कभी मुझे भूख लग गई तो काम आ जाएगी, ये रियल वाली खाने की चीज़ है। तो इसके बाद है एक पीछे चेन, इस वाली चेन में क्या हो सकता है, तो वो है सैनिटाइज़र। हम ऐसा करते हैं कि जब भी हम बाहर गए और फिर कार में आए तो इसको यूज़ करते हैं, इससे हमारे हैंड सैनिटाइज़ कर लेते हैं। और ये स्प्रे वाला है तो ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो आई थिंक इतना ही है मेरी बैग में। तो मेरी मम्मा मुझे बोलती है कि मैं अपने बैग में बहुत सारी चीज़ें रखती हूँ, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि मैं अपने बैग में बहुत सारी चीज़ें लेकर जाती हूँ। मुझे तो लगता है कि ये सारे नीडफुल चीज़ें हैं, जैसे कि हो गया ये बॉल, ये लिस्ट वाली डायरी, देन ये टिश्यू पेपर्स, ये जिप लॉक, देन ये मिनी बैग जिसमें मैंने जो सब रखा है वो आपको दिखा दिया, देन ये पाइनएप्पल खाने के लिए, देन ये सैनिटाइज़र, ये तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट ही है, देन ये नैपकिन एंड ये सारी चीज़ें, ये स्पून्स, ये सनग्लासेस। और तो आई थिंक ये सारी जो चीज़ें हैं वो नीडफुल है। तो बताइए कि इसमें क्या एक्स्ट्रा है, आपको कोई भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आई होप कि आपको ये वाला मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं दूसरे जो अभी वीडियोस लाने वाली हूँ वो और भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मतलब कि जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको ग्रे कलर का रखना, अगर वो रेड कलर का हो तो उसको टाइप करके ग्रे बना देना, और ग्रे हो तो कुछ भी मत करना। और हाँ, जब आप उसको ग्रे करोगे तो आपको एक नोटिफिकेशन बेल दिखेगी, उस पर टैप करके उसको ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे सारे वीडियो अपलोड्स की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मुझे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन फिर भी थोड़े लोगों ने मुझे कमेंट में बताया था कि मेरे स्टडी व्लॉग्स एंड जो सारे जो स्टडी व्लॉग्स हैं, टाइम टेबल के वीडियोज़ हैं, वो अभी तक क्यों नहीं आए। तो मैं उसका रीज़न बताती हूँ कि देखो, मेरी मार्च में एनुअल एग्ज़ाम थी 9th स्टैंडर्ड की, अब वो ओवर हो गई है। मेरा जो टाइम टेबल है मार्च का वो तो ऐसा जैसा कुछ नहीं है, मतलब मार्च जब से एग्ज़ाम फिनिश हुई तब से मैं ऐसा कर रही हूँ कि जब जो मर्जी हो वो कर रही हूँ, क्योंकि पूरे साल में थोड़े दिन तो ऐसे होने ही चाहिए जहाँ पर हमारा कुछ भी टाइम टेबल ना हो। क्या बोलते हो, सही बोल रही हूँ ना, कमेंट करके बताना। और हाँ, अप्रैल से जैसे ही हमारे स्कूल का टाइम टेबल आ जाएगा वैसे ही मैं अपना टाइम टेबल बनाऊँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी, तो वो इस चैनल में नहीं करूँगी, वो होगी मेरे ब्लॉग की चैनल में शेयर, जिसका नेम है रियाज अमेजिंग व्लॉग वर्ल्ड, क्योंकि मेरे सारे स्टडी व्लॉग्स एंड व्लॉग्स अब उसमें आते रहेंगे। तो और मेरा टाइम टेबल भी है जो सारे मंथ्स का, वो उसमें आता रहेगा। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो अभी सब कुछ अंदर रख देते हैं।
सो दिस मच ओनली इन दिस वीडियो एंड नेक्स्ट टाइम आई बी कमिंग विद अ न्यू वीडियो और इस वीडियो को शेयर भी कर देना टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.